वीडियो देखते हुए ब्रेक आए मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। सालों से जिसका इंतजार था आखिरकार वो दिन आ गया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों के लिए बहस का टाइम स्लॉट तय कर दिया था। 6 अगस्त से इस विवाद पर नियमित सुनवाई हो रही है। ये केस कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी विदेश यात्रा अयोध्या केस की वजह से रद्द कर दी है। उन्होंने आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने विदेश जाना था। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अयोध्या जमीन विवाद मामले में पीठ का नेतृत्व करने वाले गोगोई ने कुछ जरूरी कारणों के चलते विदेश यात्रा को रद्द किया है। 40 दिन तक चली दूसरी सबसे लंबी सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में 4 नवम्बर से 17 नवम्बर के बीच फैसला आ सकता है, क्योंकि 17 नवंबर को सीजीआई गोगोई रिटायर हो रहे हैं। 130 साल से भी अधिक पुराने अयोध्या विवाद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दबे जुबान से ही सही, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोध्या के इस विवाद मसले को लेकर बात नहीं कर रहा हो। शीर्ष अदालत ने अयोध्या स्थित 2.77 एकड़ विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांटने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई पूरी कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं, केशवानंद भारती मामला भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला केस है। वही आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट में 38 दिनों तक सुनवाई चली थी। केशवानंद भारती केरल के इडनीर नाम के हिंदू मठ के मुखिया थे। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाकर मठ मैनेजमेंट पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। केशवानंद भारती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केरल सरकार को चुनौती दी थी और उस केस की सुनवाई सबसे लंबे समय तक चली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।